जबलपुर पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले अद्यतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी और अंग्रेजी शराब भी बरामद की है। आरोपी पर पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। कंजर मोहल्ले के रहने वाले रामकिशन जाट नामक आरोपी को पुलिस ने अवैध शराब का व्यवसाय करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 93 लीटर शराब और अंग्रेजी बियर की बोतलें भी बरामद की हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने घर पर अवैध शराब का स्टॉक रखे हुए है। आरोपी अपने घर पर ही लोगों को शराब पिला रहा था। पुलिस को देखते ही शराब पीने वाले भाग गए और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर अवैध शराब घर में बेचने के कई मामले थाने में दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। आज दिनांक को मुझे इलाका पेट्रोलिंग के दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि कंजड़ मोहल्ला का आदतन अपराधी, जो पूर्व में भी कई शराब के प्रकरणों में मैं कई बार दोषित हो चुका है, बड़े पैमाने पर अपने घर पर शराब रखा है। घर के सामने लकड़ी का एक अहाता टाइप का बनाया है, उसके अंदर लोगों को बैठ के शराब भी पिलाता है। जब मुझे इस प्रकार की सूचना मिली तो मैंने सबसे पहले इस सूचना को तस्दीक करना चाहा और उसके लिए मैंने अपना थाना स्टाफ सिविल में एडिशनल एसपी साहब का स्कार्ड जो रहता है उसको मौके पर तलब किया और 200 साक्षी लेकर चला। मैंने देखा कि मौके पर जब मैंने वहाँ पे सिविल में अपने आरक्षक या अपना हैंड्स वहाँ भेजा तो मैंने देखा कि रियल में जो मुखबिर सूचना थी वो एक्चुअल सूचना थी। जब मुझे सूचना कंफर्म हो गई तो मैंने अपने दल बल के साथ वहाँ पर रेड कार्रवाई किया। लगभग 93 लीटर देसी शराब, अंग्रेजी शराब, कुछ बियर की बोतलें आरोपी कब्जे से मिली हैं। मौके पर शराब आरोपी पिला रहा था, लोग हमको देख के भाग गए वहाँ से। उसके अलावा दो लोग मिले जो चक्षुदर्शी, उनको हम साथ में लाए, उनका स्टेटमेंट भी नोट कर रहे हैं। और इसके अलावा आरोपी को 34(2)(36) गा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है रामकिशन जाट और फिर राम जाट, इसके पिताजी का नाम है रमेश जाट। कहाँ पे पिला रहा था? इसका नाम कंजड़ मोहल्ला में, ये नर्मदा मंदिर के पीछे है, छोटा सा मैदान है, उधर इसका एक टपरिया बना है, उसके सामने जस्ट सामने घर है। कहाँ